नफरत ना करके दूर दिल ते साथ नहीं भाई। यो एक बात बोल लू तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो भाई आज जो तुम्हारा भाई आया था मिलिट्री बेस और भाई यहाँ पर जो सी बिल्डिंग में आज ऐसी लूट मिली ना कि भाई अगर चार पांच टीम और आ जाती ना यहाँ पर तो आज दे दो ना भाई गाड़ी दे देकर भगाने पड़ते भाई यहाँ से या फिर भाई मुक्के मार मार के मारने पड़ते क्योंकि घंटा भी लूट नहीं मिली भाई यहाँ पर। मैं ना देखो इस बिल्डिंग में आया ऊपर नीचे गया आगे बंदे थे ठीक है तो मैं यहीं से लूट लाट करके और पीछे की तरफ जाता हूँ तो भाई मुझे ना घंटा नहीं मिला। पीछे बंदे थे तो मैं यहाँ से भाग लिया क्योंकि भाई मुझे पता है कि मेरी ना ऐसी तैसी कर देते भाई ये चारों के चारों मिलकर मारते तुम्हारे भाई को। अब जो तुम्हारा भाई यहाँ पर आ गया अभी एक जो है यहाँ पर एक एम थी लेकिन इस भाई ने उठा ली तीन नंबर ने और तुम्हारा भाई अब फिर वैसे ही जैसे तो बस यहाँ पर कुछ हम है ही नहीं भाई। अब एक हेलमेट मिला था भाई एक लेवल का और ये बैग मिला था जिसमें घंटा भी नहीं था कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर घूमते रहे भाई कुछ भी नहीं मिला और गुस्सा इतना आने लग रहा था कि भाई यहाँ पर एक दो स्क्वाड आई है अगर गन मिल जाती तो उन पर रस बोल देते लेकिन नहीं भाई अब गन इनके पास थी जो कि तीन नंबर जो कि भाई रस करने वाला भी नहीं था क्योंकि बस घास में लुक कर मार लेगा भाई जो भी है। अब यहाँ पर भाई छत वगैरह ढूंढी यहाँ पर घर ये सब कुछ ढूंढे भाई कमरे कमरे जो भी थे भाई सब कुछ। अब एक ये मिल गया भाई चकला बेलन क्या था भाई ये अब ये पलटा लेकर घूमता रहा। अब यहाँ पर मिली भाई मुझे S12 के एक गन S12 के और ये मिलने के बाद थोड़ा बहुत मतलब शांति पड़ी थी कि भैया कुछ तो मिला अगर बोट आया उसे तो मार ही लेगा तू। लेकिन भाई सच में एक बंदा भाई साहब वहाँ पर भाई टावर पे दिमाग खराब करने लग रहा था। VSS मिल गई थी उस भाई साहब को वो अपने से बड़ा किसी को समझ नहीं रहा था। अब VSS मिली टावर पे लेट गया जाकर अब वो सोचा कि भाई 20-25 किल निकाल लूँगा। ऐसे ऐसे नूबड़े भी है भाई यहाँ पर मतलब हो क्या रहा यार और भी लूट कर ले भाई उतर जा वहाँ से टावर से। हम ना मतलब सारा मैच हमारा जो यहाँ पर मिलिट्री बेस में निकलेगा ना वो लास्ट तक वो भाई साहब वहीं पर रहेगा हमारी ऐसी तैसी करता रहेगा बीच बीच में। पहले डैमेज दिया मेरा एक किल खा गया भाई साहब। अब मैंने उसको नोक किया वो किल ले गया मुझे नहीं मार रहा था लेकिन नहीं भाई जो नोक है ना उसको मारूंगा मैं तो किल चुराऊंगा तो चुरा भाई तू। अब मुझे यहाँ से जो अभी एक एम वगैरह जो भी अभी मिल गई अभी रस करने के हो गए थे भाई तो यहाँ पर भी ढूंढा कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पर भी ढूंढा भाई कुछ नहीं मिला क्योंकि इसे और ही कोई लूट कर ले गया था पहले। तो भाई अब यहाँ पर UMP ली और ये ली और हम आ गए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर थी टीम और अब देखना भाई यार। और एक पीछे था आया खत्म होल डेड। तो भाई यहाँ आने के बाद ना कुछ लूट मिली और तब भाई कुछ शांति पड़ी भाई मन को नहीं तो भाई बिल्कुल बेचैनी सी होने लग गई थी भाई कसम से। और बताना भाई क्या आपको भी ऐसा ही होता क्या मतलब जब लूट ना मिले या फिर भाई बंदे ना मरे मतलब बेचैनी सी अलग तरह की यार मतलब हो क्या रहा है यार गुस्सा सा आने लग जाता भाई खुद पे मन करता है कि बंद कर दे भाई बस पबजी को। अब आगे भाई बंदे थे अब देखना भाई यहाँ पर अभी इसके साथ जो 1v4 करने का टाइम आ गया है। अब कुछ भाई बोलेंगे कि आज फिर ज़्यादा बकवास कर रहा है तो भाई आज बकवास नहीं आज कसम से गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। अब यहाँ पर एक बंदे को तो लेटा दिया था इनके को अब ये बंदे बचे थे तीन अब तीनों को तुम्हारा भाई सूडेगा भाई पहले इसको कंप्लीट किया क्योंकि भाई अब जो टावर पे था ना वो भाई साहब अभी तक वहीं पर लेटा था और हमारी ऐसी तैसी करने के लिए मतलब यार आज कसम से गुस्सा इतना आ रहा था ना यार आज गेम में। इसको तो उस टावर वाले का भी डर नहीं था भाई टावर वाला भी हमें ही मारेगा लेकिन इसको नहीं मार रहा था भाई अब उस टावर वाले को भाई बाहुबली बदला लेगा उससे। अब यहाँ पर ड्रॉप था भाई अब ड्रॉप को लूट रहे थे और दो नंबर को देखो भाई हमारे बाहुबली को कहाँ पर बैठ के लूटने लग रहा। अब भाई इसको पता था कि टावर पे VSS लेके बंदा बैठा हुआ लेकिन नहीं भाई मैं तो मरूंगा भाई मेरा तो मन कर रहा मरने का मन कर रहा तो भाई मरो भाई। अब इसको पहले रिवाइव दिया और अब देखो भाई बाहुबली को आ गया गुस्सा बाहुबली भाई अपना जो है जंतर मंतर करके देगा भाई यहाँ पर अब उसको ठोकने वाला है। और तीन नंबर को भी पता था कि भाई टावर
टावर पे बंदा है वीएसएस लेके बैठा, लेकिन नहीं भाई हम तो मरेंगे, मारो भाई हमें, अपने केडी बढ़ाओ तो मरो भाई। अब मेरी तो ऐसी तैसी हो रही थी भाई, रिवाइव देने में देने लग रहे थे भाई हम तो देंगे। तो अब देखो भाई, अब यहाँ पर जो बाहुबली ने इस भाई साहब को लेटा दिया, रमित गोयल, और ये वही भाई साहब है जिसने मेरा जो है किल चुराया था बोट का, और इसको नोक किया था, और इसको भी नोक किया था तीन नंबर को भी। तो इसको मारने के बाद हम यहाँ से निकल लेते हैं भाई अपनी यूएस लेकर, और भाई जिसको प्रॉब्लम है भाई मेरी वॉइस ओवर से तो बता देना भाई, मैं बिल्कुल ही बंद कर दूंगा भाई वॉइस ओवर करना। सच बताऊँ तो ना भाई, मेरा ना 50% काम घट जाएगा भाई वीडियो एडिट करने में। वीडियो एडिट करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना वॉइस ओवर करने में टाइम लगता है। अब यहाँ पर आए थे तो भाई एक बंदा जो है बग्गी लेकर आया हुआ था, अब देखना भाई इसके साथ क्या करते हैं। तो भाई अभी ये वो बंदा था भाई जिसके जो है टीममेट मर गए थे, लेकिन भाई अभी ये यहाँ पर आया था रस करने, क्योंकि भाई जब हम मर मतलब तीन बंदे मर जाते और हम अकेले बच जाते ना, तो टीम वाले हमारी ऐसी तैसी करके रख देते हैं, या तो नेड कर या फिर रस कर। तो ये वही बंदा था भाई, अब इसके साथ तो मैंने रस कर दिया, और अब हम आए थे भाई यहाँ पर। अब देखो भाई मतलब हो क्या रहा है यार, बड़े बहुत ज़्यादा प्रो हो क्या यार। हम मानते हैं भाई कि हम प्रो है नहीं, लेकिन भाई हम जो है प्रो को ठोक देते हैं भाई कभी कभी, हम ऐसे ही नुबड़े भाई। अब कुछ समझ लो भाई, देखो तो ये बंदे थे भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। एक तो भाई इन्होंने जो है यहाँ पर बग्गी, मतलब कितनी मेहनत की होगी भाई, एक बंदा बग्गी लेकर आया होगा, एक बंदा डासिया लेकर आया होगा, क्या यार कहाँ से लाते हो भाई इतना दिमाग, हो रहा है ऐसे कैंपिंग करके फिर भाग भी जाते हो क्या, क्यों भाई क्यों करते हो यार ऐसा, मतलब बेइज्जती करा दी यार, नाम रोशन कर दिया तुमने तो बिल्कुल कैंप्रो का यार, क्या है ये, मतलब पहले तो बग्गी फिर डासिया, और जब हमने यहाँ पर स्मोक किया तो डर के भाग गए कि भाई ये कैसे बंद है, ये कैसे आने लग रहे हैं, अब आएंगे और हमें ठोक के चले जाएंगे, तो भाग लेते हैं। अब भागेंगे कहाँ तक भाई वो भी देखेंगे। अब देखो भाई हमने यहाँ पर स्मोक किया कि भाई हम आराम से चले जाएंगे, और ये भाई साहब मारने ही नहीं लग रहे भाई। पहले तो यहाँ पर ऐसी कैंपिंग करते हैं कि बस सभी को डरा देंगे, बंदे देखेंगे ब्रिज पे आएंगे, डासिया देखेंगे, बग्गी देखेंगे, और उनकी तो मतलब पसीने आ जाएंगे, उनको तो डर जाएंगे वो। और अब देखो भाई अब वो वहाँ पर स्मोक करके भागने लग रहे हैं। तो अब पास में गए तो भाई कोई भी नहीं मिला, और यहाँ पर डासिया बग्गी और इनमें पंचर भी कर दिया भाई दो दो टायर में, देख रहे हो मतलब हो क्या रहा है यार, नेक्स्ट लेवल के बंदे थे भाई। अब ये भागेंगे यहाँ से, अब इनको भगाऊंगा भाई, मैं वैसे ही गुस्सा आने लग रहा था भाई गेम में, आज तो ऐसी तैसी हो रही थी भाई। अब देखो तो अब तुम सोचोगे भाई कि वो तो भाग गया भाई, यही सोचोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब जो तुम्हारे भाई ने अपनी यूएज उठाई और इनके पीछे लगा दी भाई, अब ये यहीं पर मिलेंगे कहीं पर, क्योंकि भाई आगे तो सर्कल था ही नहीं। तो अब यहाँ पर आए तो भाई दोनों बंदे यहाँ पर थे, और यहाँ पर भी इन्होंने अपना फर्ज भाई वही निभाया, लेटे हुए थे भाई घास में। मतलब चोर चोरी से जाए, मतलब हेरा फेरी से ना जाए। तो ये भाई साहब वहां पर भी कैंपिंग कर रहे थे और यहां पर भी घास में आके लेट गए। ये कैसे बंदे थे यार, अजीब बंदे थे। जैसे भी हो अब हम यहाँ से भाई गाड़ी उठाते और निकल देते हैं, और यहाँ पर तो भाई हमारे साथ ना इतना बुरा होगा, आज के मैच में भाई बुरा ही बुरा हुआ। अब यहाँ पर तो भाई ऐसा फील होगा जैसे उस स्कूल में टीचर एक बार इस कान पे मारता था, एक बार इस कान पे, सांस तो आने ही नहीं देता था भाई। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, एक बार वो मारेगा, एक बार वो मारेगा, और स्मोक हमारे पास था नहीं, और ऐसी तैसी हो जाएगी अब हमारे यहाँ पर, बिल्कुल ही ऐसी तैसी हो जाएगी, देखना भाई। तो भाई जिसे मैं पहले मारने लग रहा था ना, उसको तो भाई और ही कोई ले गया भाई, मैं डैमेज दे पाया। अब किल चोर के भी किल चोरी होते, तो यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद भाई हम जो पीछे की तरफ आते, और भाई पीछे भी गोलियां चल रही थी, तो तुम्हारे भाई ने यहाँ पर मोली हाथ में उठा ली, क्योंकि स्मोक तो था ही नहीं, तो सोचा कि भाई मोली कर देंगे और उसमें अग्नि समाधि ले लेंगे, क्यों भाई किसी दूसरे की गोली से मरे हम। Marked a location.
हमारी आवाज दे हूं तो कवर पे गड्डी सारे कहे कटी बीच में गल गए स्मोक कर भाई स्मोक बना कोना हुआ अरे है कोने स्मोक में बुरा यार एक हमारे पर था थोड़ा स्मोक योगेरा मैंने ठाग स्मोक कर थोड़ा पल्ला पूरे ना दिए किट गिर रही हो तो मैं तुरा किट को ना आ को ना भाई और है रे समो इसकी पेटी में दस समोक के देख ले रहा तो भी ये लास्ट बंदा बचा था भाई, अब इसको भी टपका दिया भाई, मजा आ गया भाई। अब कैसे भी करके भाई डिनर तो निकाल ही लिया, लेकिन बहुत मुश्किल से मिला भाई। आज वाला गेम प्ले ना स्टार्टिंग से ही हमारी ऐसी तैसी करने लग गया था, और लास्ट तक भाई हमारी ऐसी तैसी होती रही भाई। अब बच गए भाई जैसे भी था। तो कैसा भी लगा हो भाई गेम प्ले, और अगर वॉइस ओवर अच्छी नहीं लगी हो भाई, तो जिस भाई को नहीं लगती ना वो भाई क्या किया करो भाई, अपनी वॉल्यूम जीरो कर लिया करो भाई, फिर मेरी बात सुनाई नहीं देगी। तो भाई उम्मीद आज की गेम प्ले वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो भाई लाइक ठोक दो, और भाई चैनल पे नहीं होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।